दुकान से 8 बजे निकले हैं और इसी बीच सद्दाम जो मेरे दुकान का स्टाफ है वो डेली छोड़ने जाता था स्कूटी से, आज भी छोड़ने हो गए उसी हिसाब से। और वहाँ पर उर्दू मोहल्ला है, वहाँ पर आपको अमजद भाई और फयाज भाई दो आदमी के पास ही मिले और सद्दाम को बोले कि तुम जाओ वापस। अच्छा। और वो वापस आकर फिर डेली की तरह आज स्कूटी ला कर देता है, उसके बाद फिर हम लोग निकलते हैं। उसी बीच उन्हीं का मोबाइल से रोने का आवाज आया और जब रोने का आवाज तो हम और जिसान भाई दो आदमी जल्दी से गए स्कूटी से, तो वहाँ देखिए गिरे हुए थे। अच्छा। और भीड़ लगी हुई थी। शेरघाटी के काजी मोहल्ला रोड में युवा कपड़ा कारोबारी की गोली मारकर हत्या, छानबीन में जुटी पुलिस। शेरघाटी में शनिवार की रात करीब 8 बजे एक कपड़ा कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मृतक की पहचान गया शहर के वजीर अली रोड के रहने वाले 40 वर्षीय मोहम्मद तैयब के रूप में की गई है। वह पिछले एक वर्ष से शेरघाटी के गोला बाजार रोड में शुमाली मोहल्ले के निकट स्थित रूबी बाजार में कपड़े का कारोबार कर रहा था। यह हादसा काजी मोहल्ला रोड में तब हुआ जब वह अपनी दुकान से वापस लौटकर पैदल अपने किराए के घर जा रहा था। दुकान से उसे एक कर्मचारी ने स्कूटी से लाकर उर्दू मोहल्ले तक छोड़ा। वहां सड़क पर वह दो परिचितों से बात करने लगा। बातचीत के बाद समझा जाता है कि वह पैदल ही फरलांग भर दूर अपने घर की तरफ बढ़ा था। हादसे वाली जगह पर भीड़ लगी है, आसपास के लोगों ने गोली चलने की एक आवाज भी सुनी है, लेकिन किसी ने हमलावरों को आते जाते नहीं देखा है। पड़ोस में रहने वाले लोगों ने कारोबारी को जमीन पर गिरा हुआ पाया, उसके शरीर से खून निकल रहा था और वह हरकत कर रहा था मगर वह कुछ बोल नहीं सका। रूबी बाजार के मालिक मोहम्मद इरफान ने बताया कि तमाम लोगों ने उसे सड़क पर गिरा हुआ पाया। इस घटना के कारणों और इसमें शामिल लोगों का अभी कोई पता नहीं है। निकट में स्थित उसके किराए के घर से सबसे पहले उसकी पत्नी मौके पर पहुंची, आसपास के लोगों की मदद से उसे अनुमंडलीय अस्पताल फिर निकट के जीवन रेखा प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज शुरू होने के पूर्व ही चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौके पर मौजूद शेरघाटी के थानेदार दिनेश कुमार ने बताया कि हमलावरों का तत्काल पता नहीं चला है, घटना के कारणों को लेकर भी कुछ साफ नहीं है। उन्होंने बताया कि मृतक के परिजनों ने अभी पुलिस को कोई जानकारी नहीं दी है, मामले की छानबीन की जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वह बेहद मिलनसार किस्म का था। इस हादसे के बाद आसपास के लोग डरे हुए हैं। क्या था पूरा मामला, क्या है मामला? तो कुछ हमको नहीं, हम घर में थे अंदर में, शादी है मोहल्ले में, हम और मेरे बच्चे, हम लोग दोनों निकल रहे थे। आवाज इससे पहले सुना कि पटाखे की जैसी आवाज आई, हम लोग समझे कि शादी का माहौल है, पटाखा छुटता है, छुटा होगा उसी में। जब घर से बाहर निकले तो देख रहे हैं कि उनके घर के लोग दौड़ा दौड़ी कर रहे हैं, हमसे कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ होगा। जब देख रहे हैं इस तरफ तो गिरे हुए हैं तैयब। क्या नाम था उनका? उनका नाम तैयब था। अच्छा। हाँ, मेरे घर के बगल ही में था उनका घर। तो उसके बाद फिर अस्पताल ले जाया गया? हाँ, अस्पताल ले जाया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिजवान अहमद हुआ। कहाँ रहते हैं आप? काजी मोहल्ला।